Now let's see this question from the ranking asked by UPSC in CSAT paper of 2016. A person is standing on the first step from the bottom of a ladder. कोई सीढ़ी है अपने पास, ठीक है, ऐसे करके, right? Okay. सीढ़ी अच्छे से नहीं बनी है, but I समझ में आ जाएगा concept, right? ये first step है, right? कोई बंदा यहाँ पे है first step पे, right? If he has to climb four more step, चार और step चलता है, first, second, third, राइट यहाँ पे आ जाता है वो, है ना। पोजीशन क्या होगी बंदे की, अभी वो यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। टू रीच एग्जैक्टली द मिडिल स्टेप, दिस इज द मिडिल वन, दिस इज द मिडिल, हाउ मेनी स्टेप डज द लैडर है, तो उसमें पूछा है कि लैडर में टोटल कितने स्टेप्स हैं। दिस इज द मिडिल वन, तो इसका मतलब ये मिडिल में है, तो जितने नीचे होंगे स्टेप उतने ही ऊपर होंगे। नीचे कितने स्टेप है, वन टू थ्री फोर, इसका मतलब ऊपर भी फोर होंगे, वन टू थ्री एंड वन मोर फोर, राइट, बिकॉज दिस इज द मिडिल वन, राइट। तो इसमें पूछा हाउ मेनी स्टेप डज द लैडर हैव, लैडर में कितने स्टेप हुए, फोर यहाँ पे है, फोर यहाँ पे हुआ, एट, राइट, और एक ये वाला है, फोर प्लस फोर, एट प्लस वन, नाइन, सो द आंसर इज ऑप्शन बी, राइट, ओके।